So hello guys, there is a surprise for you. So here's the new Scorpio N, specially for you guys before its launch. So ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है द बिग डैडी ऑफ एस यू वीज, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन टॉप एंड वेरियंट. एंड ये जो कलर आप देख रहे हैं अभी सारा ये कैमोफ्लेज्ड है, जैसे गाड़ी का लॉन्च है वो 27th को है एंड ये अभी डीलर्स के पास आनी शुरू हो गई है. ये जो कलर आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर है स्कॉर्पियो का. सो ये कन्फ्यूजन दूर हो गई है कि स्कॉर्पियो जो है वो एक्चुअली 700 की तरह धोखा तो नहीं देगी ब्लैक कलर देने में. सो नहीं, स्कॉर्पियो हो और ब्लैक कलर ना हो ऐसा नहीं हो सकता. सो हेयर इज़ द ब्लैक कलर. एंड जैसा आप देख रहे हैं गाड़ी बहुत बड़ी है, मतलब ये वीडियो में फोटो में जो आप देख रहे हो वो जस्टिस नहीं कर पा रहा है इसके साथ, लेकिन जो गाड़ी का साइज़ है एक्चुअली में बहुत बड़ा है. इसके सारे जो अलॉयज़ हैं या जो भी है इसका कलर वलर जो भी है सब कुछ अभी कैमोफ्लेज्ड है, सब पे वो रैप लगी हुई है. सो आप ये क्लोज लुक आप ये गाड़ी का देख सकते हैं. ये रूफ रेल्स वगैरह दी हुई हैं आपको इस गाड़ी में. एंड ये इसका रियर लुक है. जो रियर लुक जो फोटोज़ में देख रहे हो वो उतना मतलब अजीब सा लग रहा था, लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन इतना बेकार नहीं है. लाइट्स वगैरह भी बहुत अच्छी हैं. एंड इसका अगर साइड मोल्ड्स वगैरह आप देखें तो MG ग्लॉस्टर से थोड़ा सा वो मैच करता हुआ दिख रहा था. ये आपके इंटीरियर्स हैं, आपको सीट को यहाँ से फोल्ड करके फिर आप थर्ड रो में जा सकते हैं. कैप्टन सीट्स का भी इसमें ऑप्शन है जो एक अलग वेरिएंट में आएगा या फिर टॉप वेरिएंट में आपको ऑप्शन मिलेगा. एंड काफ़ी स्पेस है वैसे थर्ड रो में अगर हम आप कंपेयर करें बाकी अदर गाड़ियों से. कुछ ऐसा दिखता है इसका इंटीरियर. लेग स्पेस भी मुझे लग रहा है एम्पल अमाउंट ऑफ लेग स्पेस इसमें मिलेगा आपको. एंड अगर हम फ्रंट फेशिया की अगर गाड़ी की बात करें तो ऑल LED इसमें लाइटिंग सेटअप आपको दिया है, जो एक आपका है प्रोजेक्टर सेटअप है, एक नॉर्मल LED सेटअप इसमें दिया हुआ है. रिक्वेस्ट सेंसर आपको सारे हैंडल बार्स में मिलेगा. फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं, पुश बटन स्टार्ट है गाड़ी में, नया लोगो है महिंद्रा का एंड एक रीडन पूरा सेंटर कंसोल है. लेकिन चाबी आपको जो XUV700 में आती है वही मिलेगी. एंड ये इसका गियर लीवर हो गया अपना जो काफ़ी सॉफ्टली काम करता है. एंड हाँ, पता नहीं मेरे को इसमें ये 360 डिग्री कैमरा काम करता हुआ नहीं दिखा इसमें, बट ऐसा है कि 360 डिग्री कैमरा है इसमें अपनी गाड़ी में. ब्लैक एंड ब्राउन अपोस्ट्री है पूरी गाड़ी की, उसी कलर में आपके सीट कवर्स भी दिए गए हैं. एंड अगर हम इसके अलॉयज़ की बात करें तो वो तो खैर हम अभी इसके कैमोफ्लेज हैं सारे. बाकी गाड़ी का साइज़ काफ़ी बड़ा है नॉर्मल स्कॉर्पियो से. अगर हम लाइट्स की बात करें तो ऑल एलईडी ही लाइट है पीछे वाली भी. रियर कैमरा की जो लाइट है वो वाइट नहीं है, वो येलो में ही है. आपको डिक्की में भी मिलेगा रिक्वेस्ट सेंसर. लेकिन एक जो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है वो है आपका बूट स्पेस बहुत ही कम है. मतलब आप स्कूल बैग भी नहीं रख सकते इसमें बच्चों का. बट हाँ, हेडरूम काफ़ी है थर्ड रो के लिए, बट आप अगर इनको फोल्ड कर देंगे तो आपको स्पेस मिलेगा. कूल ग्लव बॉक्स है आपका यहाँ पे, उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है. स्कॉर्पियन की बैजिंग है. और हाँ, एक नया एडिशन गाड़ी में आपको सनरूफ मिलती है यहाँ पे. ये फुल पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, सो ये आप उसको मैन्युअली आप ऐसे ओपन कर सकते हैं. एंड बाकी आप इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ तो ये है ही, तो आप काफ़ी बड़ी है वैसे, इतनी कोई ज़्यादा छोटी नहीं है गाड़ी के हिसाब से. सो इट्स अ गुड थिंग टू सी इन द स्कॉर्पियो. 8 इंच का इसमें इंफोटेनमेंट आपको मिलता है गाड़ी में. सोनी का इसमें पूरा सराउंड साउंड सिस्टम है जो भी इसमें XUV में भी दिया गया था 700 में. बाकी गाड़ी के परफॉर्मेंस पे तो हम कोई शक कर ही नहीं सकते. गाड़ी बहुत स्टेबल है, गाड़ी बहुत साइलेंट है इस बार. एंड हम गाड़ी का लाइट्स का एक बार रिव्यू देख लेते हैं कैसी जलती हैं लाइट्स. सो अभी बस आपके लो बीम है और ये हाई बीम वाली कॉर्नरिंग फंक्शन भी इसी में अंदर ही काम करेगा इसका. पूरा LED के साथ है ये सेटअप जो है. इंडिकेटर्स जो मिलेंगे वो आपको फॉग लैम्प के पास मिलेंगे, जो कि DRL इंडिकेटर दोनों का मतलब एक साथ में मल्टी फंक्शनल है वो. ये आपका हो गया डीजल पेट्रोल का टैंक जो कि आपका सिंगल टच ओपन हो जाया करेगा इस बार. एंड काफ़ी अच्छा एकदम ना लेदर टच के साथ पूरी अपोस्ट्री है, काफ़ी अच्छी प्रीमियम फीलिंग गाड़ी में आती है. ये आपका सबवूफर हो गया सोनी का, आपके ग्रैब हैंडल्स हो गए क्योंकि गाड़ी काफ़ी ऊंची है, आपको चढ़ना भी पड़ेगा गाड़ी में, तो ये आपके ग्रैब हैंडल्स हो गए. सॉफ्ट टच आपका पूरा मटेरियल है गाड़ी में, काफ़ी हैवी फील होते हैं इसके डोर्स, काफ़ी प्रीमियम फीलिंग है वैसे इस बार गाड़ी में. एंड अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं आएगी आपकी 13-23 लाख रुपीज़ के बीच में आएगी ये गाड़ी आपको. बाकी कल तो मैं पता चल ही जाएगा कि ये क्या प्राइस रहने वाला है, क्या रहने वाला है इस गाड़ी का. बाकी गाड़ी की फिनिशिंग वगैरह में हम कोई शक नहीं है इसमें. बाकी तो खैर हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन जो इसका सॉफ्ट टच मटेरियल वगैरह है वो काफ़ी प्रीमियम फील होता है.
एंड ये आपके रियर एसी वेंट्स हैं जो मिडिल वाली रो के लिए दिए हुए हैं कंट्रोल्स के साथ और चार्जर्स के साथ। ये आपकी एलईडी रीडिंग लाइट्स हैं। आप देख रहे हैं स्कूप्ड है जो इसकी छत है ना, वो बाकी हेडरूम वगैरह ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसकी स्कूप दी हुई है। लाइट्स का काफ़ी मजाक बना है लोगों ने कि ये वैगनार की लाइट्स हैं या एक्सी आपकी जो आती है XC90 की लाइट्स हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी डिफरेंट है लाइट और काफ़ी बढ़िया प्रीमियम वाली फीलिंग देती है लाइट एकदम। पूरा LED सेटअप है इसमें और बाकी तो कल हमको सारी इन्फॉर्मेशन गाड़ी की पता चली जाएगी कि क्या है क्या नहीं है इस गाड़ी में। एंड मतलब मेन तो खैर प्राइसिंग ही रह गई ऑफिशियली आउट होना, तो बाकी गाड़ी तो आपके सामने ये है ही, स्कॉर्पियो एन की बैजिंग या स्कॉर्पियन की बैजिंग तात्या बिच्छू। बाकी काफ़ी बढ़िया लगा हमें सिस्टम इस गाड़ी का पूरा। आपके स्वाइप इंडिकेटर्स आएंगे इसमें, यहाँ एम हॉप की आपकी बैजिंग आती थी गाड़ी में पहले स्कॉर्पियो में। काफ़ी हैवी डोर हैं वैसे इसके जो है ना, अगर आप कंपेयर करो बाकी गाड़ियों से काफ़ी हैवी डोर हैं जो कि थोड़ा प्रीमियम फीलिंग भी देते हैं गाड़ी में, क्योंकि 5-स्टार रेटिंग है गाड़ी में, एनकैप रेटिंग 5-स्टार आने वाली है ऑलरेडी, वो लीक हो चुकी है बार बार। या पसी शेप में स्कॉर्पियन की या फिर टेल की शेप में आपके फॉग लैम्प्स आने वाले हैं गाड़ी में, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट वो शो ऑफ के लिए बनाए हुए हैं, DRLs के साथ हैं इसके फॉग लैम्प्स जो हैं। बाकी गाड़ी का वॉक अराउंड देखा तो गाड़ी काफ़ी बड़ी है, पडल लैम्प्स की भी इसमें उम्मीद है कि पडल लैम्प्स भी इसमें दिए जाएंगे जो आपके रात को नीचे रोड पे फ्लैश डालते हैं। शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है गाड़ी में। ये आपका मीटर है एनालॉग प्लस MID के साथ। सो गाइज, ये थी आपकी महिंद्रा स्कॉर्पियो N का एक छोटा सा वॉक अराउंड, एंड इसमें लगभग सारी चीज़ें ही कवर हो गई हैं वैसे तो गाड़ी की। बाकी 1 जुलाई से गाड़ी का टेस्ट ड्राइव और बुकिंग्स वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं ऐसा महिंद्रा वालों ने हमें बोला है, बाकी लेट्स सी। तो ये जो वॉक अराउंड था इससे हमें ये तो पता चल गया कि गाड़ी एक्चुअली है कैसी, जो रूमर्स थे जो लीक्स थे उन सारी चीज़ों को मैच कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। सो हाँ, गाड़ी में बहुत सारे चेंजेस हैं, गाड़ी पूरी चेंज है वैसे तो, बाकी लग्जरी लग रही है गाड़ी देखने में, काफ़ी पावरफुल लग रही है गाड़ी देखने में। सो अगर हम इसके जल्दी से प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते तो हम जो देख रहे हैं गाड़ी में, ओवरऑल गाड़ी पूरी ही चेंज हो गई है तो वो तो है ही, ठीक है, उसके बारे में तो खैर बोलने ही क्या है। बाकी गाड़ी में जैसे हम देखें तो पेट्रोल का इंजन भी आपको ऑप्शन में आ गया इस बार, गाड़ी की पावर इंप्रूव हो गई है, गाड़ी में ऑटोमेटिक आ गया है इस बार आपको, और 4x4 का ऑप्शन आ गया है, सनरूफ आ गई है और LED सेटअप आ गया गाड़ी में आपको। यहाँ पे कैप्टन सीट्स तो खैर अभी भी आती थी, बट जो इस बार है वो काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी लग्जरी है, सारा ब्राउन एंड आपको ब्लैक में आपको पूरी अपहोल्स्ट्री अगर आपको ये मिलते हैं, सीट कवर्स वगैरह मिलते हैं आपको। बाकी अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग अभी वैसे तो रिवील नहीं हुई है, बट जो रूमर्स हैं उसके हिसाब से गाड़ी का प्राइस रहेगा 12-24 लाख के आसपास में आपको इसका प्राइस रहेगा। कल 27th of June 2022 को इसका वेब लॉन्च हो रहा है गाड़ी का, स्कॉर्पियो N का, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो। एंड गाड़ी का जो भी एग्जैक्ट कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी मिसिंग लग रही हैं वो भी इसकी बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी वीडियो काफ़ी रॉ है गाइस इस बार, क्योंकि गाड़ी का जो फिज़िकली अवेलेबल नहीं थी इस बार हमारे पास, तो ये जैसे तैसे जुगाड़ करके वीडियो मिल गई है, क्योंकि किसी डीलर के पास गाड़ी आई थी एंड हमने वहाँ पे ग्रैब कर ली, उसके ऊपर ये वॉक अराउंड वगैरह बनवा लिया है उसका, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन तो आपको मिली गई है गाड़ी कैसी है क्या है। कलर्स ऑप्शन भी काफ़ी सारे पता चली गए हैं हमको, जैसे ग्रीन पता चला है, वाइट है, रेड है, आपका ब्लैक है, सो इस तरीके से सारी चीज़ें तो पता चली गई हैं। बाकी प्राइस कल रिवील हो जाएगा जैसी गाड़ी लॉन्च होगी। बाकी वी आर वेरी सॉरी कि हमारी वीडियोज़ में काफ़ी डिले हो गया दोनों में, एंड एक वीडियो डाल के हम लोग गायब हो गए। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ऐसा ना हो, एंड मैं रेगुलर वीडियोज़ लेके आता रहूँ, गाड़ी की अपडेट आपको देता रहूँ, कौन सी गाड़ी कैसी आ रही है क्या हो रहा है। बाकी आप सपोर्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं जल्दी स्कॉर्पियो N के अंदर। बाय बाय।